ड्रम रोल है ये सैंडविच टुकड़ा, एक समोसा 20 रुपीज का है, 20 रुपीज का एक वड़ा 360 रुपीज के जी और कोकिनीर बड़ी भी 360 रुपीज के जी, चाइनीज कुरकुरे 20 रुपीज है, वेजिटेबल का पट्टी समोसा 20 रुपीज का, अमेरिकन रोल 23 रुपीज का, ब्रेड कटलेट 360 रुपीज के जी खांडवी, और ये जलेबी जलेबी ये चाइनीज समोसा है, ये उपवास का पेटीज है, साबूदाना वड़ा भी 20 रुपीज 360 का, चीज पालक समोसा है कितना, ये क्या है प्याज कचौरी, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, पालक भजिया, पालक भजिया, ये पपैया का चटनी देते हैं समोसा के साथ ना, ये अंदर देख सकते हो आप चटनी डली है, अंदर का टेक्सचर देखिए, वहाँ पर दादर स्टेशन है और दादर स्टेशन से जस्ट 2-3 मिनट के रास्ते पे आपको ऐसे स्ट्रेट आना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जस्टिस महादेव गोविंद रानडे रोड, और इस रोड पे आपको अंदर आना है, अ बिग शाउट आउट टू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर हु कमेंटेड ऑन माय चैनल एंड सजेस्टेड मी दिस प्लेस, यहाँ पे देखिए सारे प्राइजेस दिए हुए हैं, और यहाँ पर है दादर सूरती फरसान मार्ट, सर आपका नाम क्या है, जगदीश रामा, आप ओनर हो, ओके, ये कभी स्टार्ट हुआ था शॉप, 70 साल हो गया, अच्छा, और यहाँ पे फेमस क्या, कौन से आइटम्स है, सब मक्का रोल है, समोसा है, प्याज कचौरी है, अमेरिकन रोल है, कौन रोल है, ये कितने का एक पीस, 23 रुपीज का एक पीस है, और ये ढोकला है, अच्छा, 360 केजी ढोकला भी 360 केजी है, 360 रुपीज सैंडविच ढोकला केजी, और समोसा, समोसा 20 रुपीज का सिंगल, एक समोसा 20 रुपीज का है, ओके, वड़ा 20 है, 20 रुपीज का एक वड़ा, पात्रा, पात्रा कितने का, और 360 केजी है, कोथिंबीर वड़ी है 360 रुपीज केजी, और कोथिंबीर वड़ी भी 360 रुपीज केजी है, एक समोसा कोथिंबीर वड़ी भी 360 रुपीज केजी है, ये चाइनीज कुरकुरा है, ये 20 रुपीज, ये चाइनीज कुरकुरे चाइनीज कुरकुरे 20 रुपीज है, ये भी 20 है, पट्टी समोसा वेजिटेबल, वेजिटेबल का पट्टी समोसा 20 रुपीज, ये अमेरिकन रोल है 20 रुपीज का, अमेरिकन रोल, ओके, ब्रेड कटलेट है 23 रुपीज का, 23 रुपीज का ब्रेड कटलेट, और ये प्याज कचौरी है 23 रुपीज का, प्याज कचौरी, ओके, और जलेबी खांडवी 360 केजी है, 360 रुपीज केजी खांडवी, और ये जलेबी, जलेबी 400 रुपीज केजी है, 400 रुपीज केजी, ये चाइनीज समोसा है, ओके, ये भी 20 रुपीज, ये उपवास का पेटीज है, ओके, 20 रुपीज, साबूदाना वड़ा भी 20 रुपीज, साबूदाना वड़ा भी 20 रुपीज, यहाँ पे देखिए सारे प्राइजेस दिए हुए हैं, ये भी 360 चावल का है, कितना, ये चावल का ढोकला है 360 रुपीज केजी, और पट्टी समोसा एक चाइनीज समोसा पकोड़ा है, ये कितना, 360 का, ये रे कट्टे कितनी, दोनों का 3-5 खाने का, एक्चुअली हम सुबह के टाइम आए हैं, लेकिन फिर भी आप क्राउड देख सकते हो, और आफ्टरनून इवनिंग टाइम पे यहाँ पे बहुत क्राउडेड रहता है, ये बनाना चिप्स कितने का है, 400 रुपीज केजी बनाना चिप्स है, कोकोनट ऑयल में डीप फ्राई किया हुआ, कोकोनट ऑयल में फ्राई किया हुआ है, नहीं नॉर्मल ऑयल, 400 रुपीज केजी है ये, ये कौन सा चकली है, ये भी है ना, पापड़ा भी अपना बहुत अच्छा है, ओके,
400 रुपीज के जी। ये कहाँ से बन के आता है? सब यहीं बनता है। यहाँ पीछे बन के आता है? अच्छा, यहीं पे है। अच्छा, ओके। तो कहीं पे दूर से नहीं आता है, सब आपका इन हाउस ही है, सब आप तेल में फ्राई करके सब इधर ही बन के आता है। और ये चकली कौन सा है? ये का चकली है। कितने का है पैकेट? 70 रुपीज। कितने पीसेस आते हैं उसमें? 200 ग्राम्स। 10 पीसेस आ जाएंगे, 10 के आसपास पीसेस आ जाएंगे उसमें। क्या है ये? पान जाते ना नागर का पान, जो पान चूना लगा के देते हैं। अच्छा, अच्छा पान जो बनता है पान, अच्छा ओके, पान का है ये। इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? पालक भजिया। पालक भजिया, अच्छा पालक भजिया। ये कितने का आता है? 23 रुपए। 23 रुपए का है। कितने आते हैं 23 रुपए में? 36 100 ग्राम। अच्छा, 100 ग्राम में 6-7 6-7 पीसेस आ जाएंगे। ये जेन का चीज पालक समोसा है, कितना एक पीस का? नहीं, ये 400 रुपए किलो, केजी पे आता है। केजी पे आता है ऐसा? 1 केजी में 50 पीस। नहीं, अच्छा 1 केजी में 50 पीस आ जाएगा। साबुदाना कितना थे? एक चे दो चे वो बोलो। 40 रुपए दो साबुदाना। ये क्या है? प्याज कचौरी। ये कितना है एक पीस का? 23 रुपीज का एक पीस है प्याज कचौरी। तो ये पूरा आपका फैमिली बिजनेस है, आप ये सब भाई है आपके? ओके, और यहाँ का जरा टाइमिंग मुझे बता दीजिए। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक रहता है। और किसी दिन बंद रहता है या सभी दिन? मंडे ऐसा बंद रहता है, मगर त्योहार में चालू रहता है। त्योहार में चालू रहता है, नहीं तो मंडे को बंद रहता है। अच्छा, ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो फूड वेंचर ब्लॉग्स। आज हम आए हैं दादर में सूखी परसान मार्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मैंने ऑर्डर किया है। यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटीज थे और उसमें से कुछ ना कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा करके एक प्लेट में ले लिया है। और ये 40 रुपीज़ का प्लेट है और इसमें 4-5 वैरायटीज है। ये देखिए, ये है खांडवी, ये है खमन ढोकला, ये है वाइट ढोकला, ये कोतंबीर वड़ी है, ये पात्रा है, ये सैंडविच ढोकला है, आई थिंक दिस चटनी इनसाइड दिस। और यहाँ पे ये तीखा चटनी और ये मीठा चटनी दिया है। तो सबसे पहले खमन ढोकला ट्राई करते हैं। इसका टेक्सचर देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट है, इससे ही स्पंजी देख सकते हो आप, इतना सॉफ्ट है ये। अभी फ्रेश है, हल्का सा स्वीट है। अभी ये वाइट ढोकला ट्राई करते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर आप देख सकते हो ये सेसमी सीड्स और मस्टर्ड सीड्स हैं। ये भी काफी सॉफ्ट है, ये राइस का बनता है। चटनी के साथ ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अभी नेक्स्ट खांडवी ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये भी बेसन का बनता है। ये खांडवी जो रहता है वो ये एक्चुअली स्टीम रहता है। बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है।
खांडवी इन जनरल भी बहुत ही सॉफ्ट रहती है। ये सैंडविच ढोकला ट्राई करते हैं। ये अंदर देख सकते हो आप चटनी डली है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ये जो खमन ढोकला है और ये वाइट ढोकला है दोनों को मिला के इसका सैंडविच बना के अंदर से चटनी डालते हैं। इसके लिए इसको सैंडविच ढोकला कहते हैं। अभी नेक्स्ट पात्रा ट्राई करते हैं। ये देखिए ये भी स्टीम रहता है, हल्का सा स्वीट है और हल्का सा तीखा है। ये देखिए ये कोथमीर बड़ी को ट्राई करते हैं। इसके अंदर का टेक्सचर देखिए, ये बेसन का बनता है ना, धनिया और बेसन का बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन, काफी सॉफ्ट है और ये डीप फ्राइड आइटम है, बहुत मजेदार है। यहाँ पे प्राइसेस आप नोट डाउन कर सकते हो। बढ़िया अच्छा आइटम है, अभी बन के आए हैं। अच्छा मेथी का, ये 8-10 दिन रहता है, मेथी का है, मेथी बड़ी बोलते हैं इसको। और ये कितने का है? ये 400 रुपए किलो, 400 रुपीज किलो है। ये इसका क्या प्राइस है? ये सब 360 रुपए किलो है सब। और ये कौन सा पालक का है? मेथी का, मेथी का है। ये मिर्ची बटाटा कांदा, मिर्ची बटाटा ये कांदा भजी और ये मेथी का भजी है। और ये सॉल्टी है या स्वीट है? ये लाइट स्वीट, लाइट स्वीट है। कितने का है ये? ये 400 रुपए, 400 रुपए किलो है ये। ये एक्चुअली पान का बनता है। नागरवेल का पान आता है ना, पूना पान, नागरवेल का पूना का पान, पूना पान लेता है। अच्छा पालक का नहीं है ना ये? नहीं, ये पालक का है। अच्छा। नहीं, बोलते है पालक। अच्छा। ये पपैया चटनी। अच्छा ये पपैया के साथ में। अच्छा ये पपैया का चटनी देते हैं समोसा के साथ ना? किसके साथ देते हैं? पापड़ा के साथ देते हैं। अच्छा और ये कौन सी चटनी है? ये तीखा है, मीठा। क्या बोला तूने? मीठा और तीखा, इमली, गुड़ खजूर इमली का, गुड़ खजूर इमली। और ये पालक और बेसन का, पालक और बेसन का चटनी। और ये फ्राइड मिर्ची मिल जाती है। अच्छा तो यहाँ पे ये सेकंड मैंने ऑर्डर किया है, ये चीज पालक और ये है मकाई रोल। ये एक्चुअली इन्होंने 2 पीस करके दे दिया। मैं ये मकाई रोल ट्राई करने वाली हूँ। इसका आप स्टफिंग देख लीजिए अंदर से। ये बाहर का जो है ये आलू का स्टफिंग है अंदर, और ये बाहर भी आप देख सकते हो इसका कवरिंग जो है ये आलू का है। पहले ऐसे ही ट्राई करते हैं। बाहर से जो है ना वो आलू का स्टफिंग है और ये जो है वो सेवैया है जो खीर में डालते हैं। सेवैया जो खीर में डालते हैं उसे डाल के इसे डीप फ्राई किया हुआ है और अंदर जो है ना कॉर्न का स्टफिंग है। हल्का सा स्वीट है, हल्का सा नमकीन और हल्का सा स्पाइसी भी है। ये जो चटनी आप देख रहे हो ना ये स्पेशल रहता है। ये देखिए ये जो रहता है ये कच्चा पपैया का चटनी रहता है। इसे पापड़ा के साथ लोग बहुत पसंद करते हैं खाना। ये बेसन का बनता है।
ये चीज पालक ट्राई करती हूँ मैं। ये देखिए काफी गरम गरम है। ये मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि ये जैन स्पेशल है और स्टफिंग में मुझे तो इसमें सिर्फ चीज और पालक दिख रहा है। काफी इंटरेस्टिंग स्नैक होने वाला है ये, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। काफी माइल्ड है, इसमें कुछ ज्यादा स्पाइसी नहीं है, कुछ स्पाइसेस नहीं डाले हैं, सिर्फ चीज और पालक का ही स्वाद आ रहा है। हल्का सा नमकीन है और ये काफी क्रिस्पी है, काफी मजेदार है। क्या बोल रहे हैं? प्याज कचौरी, कांदा कचौरी। ये कहाँ से है, फेमस कहाँ से? फेमस ये राजस्थान का बहुत फेमस है, कारीगर वहाँ से मुंबई में अपना इधर भी। तो जैसे कि इन्होंने बताया प्याज कचौड़ी है और इनके जो कारीगर है वो राजस्थान से सीख के आए हुए हैं। ये देखिए प्याज कचौड़ी का अंदर का स्टफिंग बता देती हूँ आपको। बहुत अच्छी खुशबू है। उसका स्टफिंग बहुत अच्छा है, प्याज और आलू डाला है शायद। हाँ, प्याज आलू और मसाला है, गए आलू प्याज का मसाला है, लेकिन इसमें गरम मसाला भी पड़ता है। गरम मसाला है, हींग गए, गरम मसाला का थोड़ा फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है और हींग है इन्होंने बताया। और प्याज बहुत ही सॉफ्ट हो गए, मतलब पूरे कैरमलाइज हो गए, बहुत ही सॉफ्ट है अनियंस। और ये देख सकते हो आप कोरिएंडर भी है इसमें, हरा धनिया भी डाला है। बहुत मजेदार कचौड़ी है। ये 23 रुपीज का एक पीस है ये, और चटनी के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप इसको ऐसे भी अगर इंजॉय करोगे ना तो भी मजेदार लगता है, लेकिन चटनी के साथ बहुत मजेदार लगता है। और ये मीठा चटनी गुड़ खजूर का है, गुड़ खजूर और इमली का, गुड़ खजूर और इमली का मीठा चटनी बनता है। और ये तीखा चटनी बेसन धनिया पालक, बेसन धनिया और पालक का बनता है। बहुत ही दिस कॉम्प्लीमेंट्स इट सो वेल, बहुत ही मजेदार कॉम्बिनेशन है। और आप अगर यहाँ पे आते हो ये जरूर ट्राई कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट आइटम्स, आई रियली एंजॉय दिस। ये मम्मी प्याज कचौरी ऐसा ट्राई कर। अच्छा, और ये जो भी स्वीट्स और स्नैक्स आइटम्स बनते हैं ये कहाँ पे बन के आते हैं? यहीं पे बनते हैं। अच्छा, यहीं पे अंदर बनता है। ओके, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपका एक पूरा यूनिट है यहाँ पे, सारा जो है फ्रेश आइटम्स ला के यहीं पे बना के देते हैं। आप वो तारक मेहता में भी आप देखेंगे ना तो राइट। इसको क्या बोलते हैं? पपाया चटनी बोलते हैं, खमन और पपाये का चटनी। गुजराती में स्पेसिफिकली कुछ बोलते हैं उसको? अठानु के पपयानु, अठानु पपयानु अठानु। अच्छा ओके, ये स्पेशल चटनी है एक्चुअली। ये बेसन का ही बनता है ना? बेसन और पपाये का, बेसन और पपाया। अच्छा ओके, और ये अगर लेने जाए तो ये 40 रुपीज में आ जाएगा, 100 ग्राम का। यहाँ पे हमने फाफड़ा जलेबी भी ले लिया है और ये 40 रुपीज का है। अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए तो ये एक्चुअली जेठालाल का फेवरेट है, फाफड़ा जलेबी। फालों ने खाइए रे जलेबी फाफड़ा रे, साथे संभारो रे अने तड़ेला मरचा रे, आलो ने खाइए रे। सबसे पहले मैं जलेबी ट्राई करती हूँ, उससे पहले मेरे डैड फाफड़ा ट्राई करेंगे। टाइम काम रहा
हमको अच्छा लगा। और ये देखिए स्वीट है, काफी मस्त है, बहुत ही फ्रेश है।
दादर में आएंगे तो खास करके समोसा पार्सल लेके जाते हैं या यहाँ पे आने के बाद आते हैं। ओके, वहाँ तो बहुत टेस्ट उनका क्वालिटी ओके बहुत बेहतर है। थैंक यू सर, आपका नाम? शरद सरपे, वडाला से। थैंक यू। हेलो, यहाँ पे स्नैक आइटम्स कैसे हैं? अच्छा लगता है क्या? आप खा रहे हो समोसा? समोसा कैसा है? अच्छा है। आपका नाम? गणेश। गणेश, थैंक यू। हेलो, आप क्या एंजॉय कर रहे हो? समोसा कैसा है? अच्छा है। आप कहाँ से आ रहे हो? दादर में ही रहते हो? यहीं पे रहते हो दादर में? यहाँ पे बेस्ट आइटम्स कौन से लगते हैं आपको? सभी, सब कुछ अच्छा है। काफ़ी फेमस है, रीजनेबल है प्राइस? अच्छा, बजट फ्रेंडली है। थैंक यू मैडम। आपका नाम? ओके, थैंक यू।